वेलकम बैक टू एक्जॉटिक बर्ड्स। दोस्तों ये वीडियो है हमारी कैट्स की कॉलोनी का। जैसे कि बहुत टाइम पहले मैंने बोला था कि कैट्स की कॉलोनी बनाएंगे, फाइनली कई सारा काम उसका बहुत था, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो गया। और ये वाली जिस कॉलोनी में बना है, इसके पहले यहाँ पर बर्ड्स थे और पिजन्स थे, तो उस टाइम मैंने खाली कर दिया था रमज़ान के पहले, मगर रमज़ान में तो नहीं हो पाया। फाइनली रमज़ान के बाद धीरे धीरे पूरा काम किया और चालू कर दिया। ये कुछ थोड़े दो चार केजेस लिए थे और ग्रीन ग्रास का जो नेट आता है वो लिया था, क्योंकि मुझे पूरा ग्रीनरी करना था, ग्रीन कलर मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए ये किया। फाइनली कैट्स भी आ गई है, उसका वीडियो तो हम बना नहीं पाए, मगर इस ही वीडियो में आपको सब कुछ दिखा देंगे कैसा बनाया क्या बनाया। और ये कॉलोनी का मुझे एक चीज़ ये थी कि बनाना ऐसे है कि बराबर प्रॉपर ही सब कुछ मेंटेन हो जाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने दो अलग अलग जगह से कैट्स लिए, उसमें सारी दिक्कत कैट्स की, जो अगर फॉर एग्जांपल आप भी अगर कोई कैट्स कहीं से बाहर से लेते हैं, तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस चीज़ में ये है कि बाहर से जो कैट्स आप ले रहे हो तो उसको क्या खिलाएं। तो अगर आप ले रहे हो और क्या खिला रहे हो ये सोच रहे हो, तो सबसे चीज़ जिस बंदे से आप ले रहे हो तो उससे पूछ लीजिए कि कौन सा कैट फूड खिलाए, क्योंकि कैट फूड बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके पास कोई कैट्स आ रही हो और आप ये चाह रहे हैं कि वो उसे कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बीमार ना हो, उसको मोशन ना लगे, तो जो बंदे के पास हो कि पहले कैट्स थी, जो बंदा वो कैट्स को वो कैट फूड खिला रहा था, वही कैट फूड आपको सेम ब्रांड का खिलाना है, जैसे म्याओ विस्कल जो भी एक्स वाई जेड रहा, उसमें जो फ्लेवर आ रहा है तो फ्लेवर भी आपको सेम खिलाना है, क्योंकि एकदम से किसी किटन का या एडल्ट तो खैर वो कर लेता है, मगर किटन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है कि किटन्स का आपको एकदम से कैट फूड चेंज नहीं करना, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग जगह के कैट्स हैं, तो मैंने दो अलग अलग यहाँ पर देखिए केज रखा है, और दो केज इसलिए है कि मैं जब दाना फीडिंग करता हूँ, वैसे केज में नहीं रहते ये, पूरी कॉलोनी में घूमते रहते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हो ये पूरा घूम रहे हैं, ये सब अलग अलग है, ये देखिए ये है और इधर भी है, इधर भी कई सारे हैं, इधर भी है, कुछ नीचे सोए हैं। अब ये पूरा टाइम ऐसे खुले रहेंगे, मगर जब इनको फीडिंग करवाना है, क्योंकि जो कैट्स को जो कैट फूड जो जिनसे मैंने लिया है, जो कैट फूड वो उसने खिला रहे थे, वही कैट फूड आपको देना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भाई, इस चीज़ को याद रखिए। अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं करता और इन्हें मोशन लग गए, तो गर्मी इतनी ज़्यादा अभी पड़ रही है, मोशन में उनको सर्वाइव करना या उनको बराबर केयर करना में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक छोटी सी चीज़ है, तो इस चीज़ का याद रखिए। और अभी मैं आपको पूरा अपना कैटरी बताता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने इनके लिए खिलौने भी लेके आए हैं, अभी फिलहाल रखे नहीं है, अंदर है। कुछ बॉल्स रखी खेलने के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये मीन्स मोस्टली जो है ज़्यादातर टाइम खुले रहते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये करी है कि अभी फ़िलहाल इनको मैं खुला रख रहा हूँ, तो इनमें सब दो अलग अलग तरह के कैट्स हैं जो कैट फूड अलग अलग खाते हैं, तो मैं इनको जब ये खुले रहते हैं तो उस टाइम मैं उन्हें कैट फूड नहीं देता हूँ, कैट फूड सारा ऊपर है, जिस केज में जो किटन है उसका कैट फूड उस केज के ऊपर ही रहता है। जब इनको फीडिंग करवाना रहता है मुझे, मैं टाइम टू टाइम फीडिंग करवाता हूँ, एकदम से नहीं फीड करवाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज़ को याद रखे। आप ये देखिए छोटा सा, ये बहुत ही छोटा है, तो ये दो महीने के ऊपर का है। इन सब कैट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसा है सिस्टम, कैसा नहीं है, ये सब है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी कर रहा हूँ कि इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड, आप देख सकते हैं मैंने जो कैट जो कॉलोनी बनाई है किस तरह से बनाई है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इजीली भी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रीन ग्रास यहाँ पे नहीं लगाता तो मुझे बड़ी दिक्कत आती, मैंने चारों तरफ ग्रीन ग्रास लगाई है और ऊपर लगाया है मैंने ये मच्छर का नेट, कि ज़्यादा मच्छर नहीं आए। फ्रंट में मुझे थोड़ा वर्क करना है अभी यहाँ पर, और धीरे धीरे इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। ये देखिए जिनके साथ टाइम स्पेंड करना, यहाँ पर आप बैठ जाइए टाइम स्पेंड अंदर, और ये सारे के सारे किटन जो है ट्रेन है, तो ये लीटर में ही जाके करते हैं, मैं ट्रेन और इनमें से कुछ को मैंने ट्रेन किया है, ये मेरे पास 15 तारीख को आए थे, 18 तारीख को आए, इनको सिर्फ दो या तीन बार जब नई जगह पे आती है कैट्स तो उसे आपको लीटर दिखाना पड़ता है कि भाई लीटर कहाँ है कैसा है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, और इसे यहाँ पर अभी लग रही है गर्मी, ये देखिए दोनों भाई है, ये देख। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैं अगर एक चीज़ और मैंने सोची थी कि ये काम चालू करने के पहले, इसके पहले तो मैं बहुत साल डेढ़ या दो साल हो गए उस टाइम से कर रहा हूँ, मगर एक यहाँ पर मैंने सोचा था कि कुछ अलग करते हैं, अलग इनके से ऐसा कि पर आप अगर किसी को दे रहे हो
और अगर उसके एड्स के बारे में आप पूरी डिटेल बताऊं तो, और डिटेल अगर किसी के एड्स के बारे में पता करना है तो उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पेंड कैसा, अगर दिन में आप 2 घंटे या 1 घंटा, खैर कई सारे लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि 1 या 2 घंटा कैसे उनको टाइम दें। मगर मेरा ये था कि कैटरी मैंने कैसी बनाई, आपने ये सब तो देख लिया है, और इसका एडवांटेज मुझे ये रहा कि भाई मैं रात में 1 या 2 घंटा इनके साथ रहता हूँ कि हर किटन्स कैसा बिहेवियर कर रहा है, वो क्या चाहता है, कैसा है, कोई मतलब कैसा रहता है ना, कि हर कैट्स का बिहेवियर अलग अलग रहता है। कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है इंसानों को, तो ये कैट्स का है। तो मैंने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की है 2 या 3 दिन के अंदर, क्योंकि मैं सालों से पाल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा जल्दी कैच हो जाता है। नए बंदे को रहा तो वो उसको टाइम देता है, प्लीज़ अगर ये चीज़ें जाननी हो तो आपको कैट्स के साथ टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप मिनिमम 2 घंटे दें। अब मेरा जैसे कि रात का टाइम है 9 से 11, या कभी कभार 9:30 से 11:30 या 12, मैं ये इसी कैट में बेचता हूँ। कूलर चालू है, कूलर का कोई टेंशन नहीं। फ़ोन यूज़ करना है फ़ोन यूज़ करिए, या वीडियो एडिटिंग करना है तो यहाँ पर ही हो जाता है। उसके साथ साथ ये चीज़ भी हो जाती है कि आपको अगर कैट्स को टाइम देना हो, सॉरी मेन से ये चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि खुला छोड़ दो, कौन सा कैट्स कैसा कौन सा किटन कैसा बिहेवियर कर रहा है, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त पता चल जाता है। मुझे ये सब चीज़ें पता चल गई, तो पता चल गई है तो कि भाई कैसा इनकेस है, ये मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं लर्नर, कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन मीन्स थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कर सकता हूँ। मगर परफेक्ट लीजेंड टाइप वो जो बंदा बोलते हैं वैसा तो नहीं है। लीजेंड का बहुत ही बड़ा रुतबा रहता है। आप देख सकते हैं पीछे जो किटन है वो पानी पी रहा है सर, और पानी भी मैंने मीन्स मटकी का, जो अगर आपके पास कैट है या डॉग्स है या बर्ड्स है कुछ भी है तो कोशिश ये करिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी का जो बर्तन आता है उसमें पानी दीजिए, क्योंकि उसमें एडवांटेज ये रहता है कि पानी जो रहता है ठंडा रहता है, ये सारा पानी जो है ठंडा है और उनको पीने में भी मज़ा आता है। और मेरे पास कंटिन्यू कूलर चलता है, बर्ड्स के लिए भी, पिजन्स के लिए भी और कैट्स के लिए भी। और फैंसी पिजन्स का जो है सिर्फ उनका सेटअप मेरे को थोड़ा कूलर में करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा मगर मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा था वो टॉपिक पे कि अगर आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो बता सकते हो कि कौन सा कैट्स कैसा बिहेवियर कर रहा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और आप देखते रहिए, तो मैं आपको एक के बाय एक हर किटन्स के बारे में कैसा बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, मगर उसमें से 80% चांसेस है कि ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो ऐसा ये बन सकता है। तो खैर, तो दोस्तों फर्स्ट जो यहाँ पर कैट्स है ये मेल कैट्स है, शो क्वालिटी में आप देख सकते हैं, और इसका फेस पे जूम करता, ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स एग्रेसिव टाइप कैट है। एग्रेसिव बनेगा मुझे लगता है, ऐसा कि बड़ा होके ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बनने वाला है। और इसके साथ का जो भाई है, उसका भाई किधर गया, ये हाथों नहीं, ये टैक्सी ट्रेन निकली है, ये वाला देखो इसका ये वाला भाई है ये। अब इस दोनों में फ़र्क देखिए साइज़ का, ये मीन्स इसमें एक ही बहुत बड़ा रोल ये होता है कि जी फीमेल जब बच्चे देती है तो वो फर्स्ट बच्चा दी, और फर्स्ट बच्चा जो रहता है सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है, और जो लास्ट वाला रहता है वो थोड़ा वीक रहता है। तो ये वही है, मीन्स ये वीक नहीं है मगर साइज़ में थोड़ा छोटा आ गया। अब दोनों देखिए, दोनों मेल है और क्वालिटी देखिए आप सी, और ये दोनों का बिहेवियर जो दोनों का सेम टू सेम है, थोड़ा सा हाँप रहे ये ठीक है फेस को जूम कर, मगर ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है ये। अगर एग्रेसिव मीन्स कैसे, अगर इसके इनको इन पे बता कैमरा, एग्रेसिव मीन्स ये देखिए, ये मेल है और ये दोनों भाई ऐसे है कि मीन्स अगर इनके पास कोई गया या आराम कर रहे तो कैट्स नॉर्मली खौ खौ, जैसे आप सबको पता होगा, शायद आपने कभी सुनी होगी या देखी होगी, वो वैसी आवाज़ करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स मुझे लगता है एग्रेसिव बनेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि पर्शियन एग्रेसिव होता है ये, मीन्स जिन लोगों के पास अगर ये रहेंगे उनके पास तो ये बहुत ही प्यार दिखाएंगे, मगर कोई नया बंदा आया और इन्हें प्यार करता है नॉर्मली कोई लड़कियाँ
तो लड़कियां गारंटेड जो नई लड़कियां रहेंगी उनसे डरने वाली है, क्योंकि ये उन्हीं उनके साथ सही रहेंगे जिनके साथ ये मीन्स परमानेंट रह रहे हैं। घर वालों के साथ ये सही रहने वाले हैं, मगर बाहर वालों के साथ अगर कोई इनको आता है प्यार करता है तो वो तो उसमें एग्रेशन दिखाएंगे। तो ये एक सबका अपना अपना कैट्स का बिहेवियर रहता है, तो वो वैसा बिहेव करता है। ये दोनों का, ये मेल है और ये वाला भी मेल है, क्वालिटी ज़बरदस्त है, दोनों की सेम एज है, दो महीने प्लस के ये किटन है, तो ये एक ही चीज़ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं किसको पकड़ूँ, ये ऑड आई की, ये ऑड आई की फीमेल है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी शर्मिली टाइप है। मीन्स शर्माना कैसे कि ये देखिए कितनी शांत है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली फीमेल तो शांत रहती है, मगर मेल जो रहते हैं वो थोड़े से नॉटी टाइप एग्रेसिव टाइप रहते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ है। ये फीमेल देखिए बहुत ही शांत है और बहुत ही फैमिलियर है, बड़ी ओके बड़ी क्यूट बनने वाली है ये, ठीक है। इसका बहुत ही लविंग नेचर है, मीन्स मैं जब ये कॉलोनी में आता हूँ तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अभी तो खेलने के मूड में है कि भाई मेरे को खेलने के लिए छोड़ दो। दूसरा जो पेयर है ये फाउन कलर का मेल है और ये गोल्डन कलर की फीमेल है, आप क्वालिटी देख सकते हैं। ये दोनों भी सेम एज के हैं, तो और इनमें जो है आप यकीन नहीं मानोगे, इनमें जो है मेल शांत है, मेल लविंग नेचर है, मगर और ये फीमेल भी लविंग नेचर है, मगर इसमें जो ज़्यादा मस्ती घोर है ना ये है, इसको हमेशा, अभी तो ये थक गई है क्योंकि केज जो है ये कॉलोनी में का जो अंदर का केज है वो सुबह से खुला हुआ है, तो ये भाग दौड़ इधर उधर उससे थक गई, आराम कर रही थी, तो मैंने इसे उठा के यहाँ पर लेके आया हूँ। मगर ये पूरा ये जाली दिख रही है आपको, 5 फीट की है, उसमें बर्ड्स को मीन्स बर्ड्स कबूतर जब भी उड़ते हैं तो इसको पकड़ना ही है, इतना ज़्यादा उधर देखा इस टाइप का, ये मीन्स ऐसा बर्ड्स अगर कोई आए तो दिखना है, फिर ऊपर से कुछ जंप मार देते हैं। तो ये एक ऐसा इनका एक टॉय बन गया है बर्ड्स के बाजू में केज में, तो बर्ड्स को भी वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सारे बर्ड्स को कैट्स का वाइल्ड कैट्स बाहर घूमती रहती है तो उनको उसकी आदत पड़ गई है। तो ये देखिए फाउन कलर का मेल है और मेल बहुत ही शांत है, मीन्स ऐसा शांत नहीं कि खेलेगा नहीं, मीन्स अभी थोड़ा बहुत घूमेगा फिरेगा और लविंग नेचर है, एग्रेसिव ज़्यादा नहीं है ये है, अदरवाइज वो वाइट वाले बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। ये फीमेल जो है ये भी लविंग नेचर की है, ऐसा नहीं है, मीन्स ये बहुत ही नॉटी है, खेलने कूदने का बहुत ही चाहिए इसे, और अभी तो बहुत ज़्यादा ये थक गई है, तो इसके कारण ये थोड़ा सा थकी हुई है। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जैसे कि आप देखिए ये फाउन कलर का मेल जाके सो गया है, सोने के लिए भी बेस्ट इनको जगह है। अभी इनको दाना पानी अपन देंगे फिर इनको रखेंगे। तो ये है एक, और ये थोड़ी सी मीन्स और ज़बरदस्त बनने वाली है इसमें के साथ का। आप ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा मेल इसमें से, जब ये वाली फीमेल ने जब बच्चे दी थी तो सबसे छोटा, ये भी सेम एज का है, ऐसा नहीं है, ये भी 2 महीने समथिंग डेज का है, मगर ये भी ये सबसे लास्ट आया था इसलिए थोड़ा हेल्थ में छोटा रह गया, मगर फिर भी ये ज़बरदस्त है। ये भी फीमेल है, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, ये भी चढ़ जाता है ऊपर अगर कोई बर्ड्स आते हैं तो। ये देखिए फीमेल है ये, और इसमें से जो एक और लास्ट बच्चा है ये सब दिखाई दे, इनको ट्रे के नीचे जाके बैठना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। लाइट ब्लू आईज में एक पेयर है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें 2 फीमेल हैं और एक वाइट कलर का मेल है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा पास लेके, ये देखिए ये काट नहीं रही है, अगर ये काटेगी ना, कोई लोग बोलते हैं कि कैट्स काट रही है, तो ये काटती नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए अगर ये काट नहीं रही, अगर ये काटेगी ना तो आपको नानी याद आ जाए कि इतनी डेंजर काटती है, क्योंकि इनके जो दांत है इतने ज्यादा शार्प है, आपके इसके अंदर घुस जाए हाथ के अंदर तो तब इतना ज्यादा पेन होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कैट्स कर रही है तो वो आपके को काट नहीं रही, वो आपके साथ खेल रही है। ये इसलिए खेल रही है क्योंकि इनको मैं रात में 1 या 2 घंटे टाइम देता हूँ, इसलिए मेरे साथ इजीली खेलती है, और ये नहीं सबके सब खेलते हैं, मगर अभी ये वाली मोड में है। तो इसमें एक और ये नॉर्मल है इसकी फीमेल है, ये जो है मेरे ख्याल से ये मेल है, और ये वाली जो है फीमेल है। मैं आपको आइज दिखाना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ये फीमेल है और ये मेल है, ये पेयर है, इनका आप आइज पे क्लोज करिए,
आइस पे बताइए, आइस पे क्लोज करिए, ये ज़बरदस्त है। सेम आइस है इसमें, आपको ये ना ब्लू बोल सकते हो ना वाइट आइस बोल सकते हो, ये लाइट ब्लू आइस के है इसमें। इसमें मेरे पास दो फीमेल है और एक मेल है, दो फीमेल किधर गई, एक फीमेल और है, और ये एक तो इसमें एक मेल है, मीन्स ये एक तरह का पेयर हो गया, और एक ब्लू आइस की फीमेल और है, मीन लाइट ब्लू आइस। जब ये बढ़ेंगे तो इनमें डार्क होने के चांसेस है, क्योंकि इनकी जो फीमेल है उसे एकदम डार्क जो ब्लू बोलते हैं ना वैसी फीमेल थी इनकी, ये उसी के बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये बढ़ेंगे तो इनका लाइट डार्क ब्लू आइज आ जाएगा। ये पेयर है और इसमें एक सिंगल फीमेल भी है, फीमेल ये ऑर्डर की फीमेल है, और बाकी और ये ही देख सकते हो, ये ऊपर चढ़ते हैं और खुद ही नीचे भी आ जाते हैं, ये अपने आप नीचे आएगा। ये ब्लू आइज का जो अभी आपको मैंने बताया था उसमें से है, आप एक्टिवनेस देख सकते हो कैसी है, ये क्या और इनको आदत पड़ गई है, मुझे भी कोई ज़्यादा मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता। ये देखिए, अगर आपके पास एक कैट्स आए तो उसको दो या तीन दिन हाथ में मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, और अगर हाथ लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए, इसमें एक चीज़ और मैंने, अगर आपके पास कोई नए कैट, अभी तो उसका खेलने का मूड है तो ये उतना नहीं पड़ेगी, मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा कि आपको कैसे कैट्स को अच्छे से रखना है, मीन्स क्या क्या पॉइंट उसमें होते हैं कि कैट से बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर फाइनली सबको छोड़ दिया है। अभी ये वाली जो लास्ट वाली मैं बता रहा था कि एक ब्लू आइज की फीमेल और है, दो अंदर दिखा, दो अंदर मैंने बंद कर दिए, क्योंकि इनका अभी हो गया है खाने का टाइम, और खाना मैं इनको सबको अलग अलग देता हूँ, अलग इनके से ये जो खाते हैं वही इनको खाना मिलेगा, और ये वाले जो खाते हैं मैं इनको वही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये म्याऊ मैकरेल का ये खा रहे हैं, ये म्याऊ मैकरेल का इनको अभी छोड़ दे, और इनका देखो खाने का टाइम हो गया, सुबह दो घंटे बाद, हर तीन घंटे में एक बार मैं इनको फीड देता हूँ। चीज़ हमेशा याद रखिए, कैट्स को कम खाना हो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मगर ज़्यादा ओवर खा लिया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए मैं टाइम टू टाइम देता हूँ, हर दो तीन घंटे में एक बार फीड इनको देने का, फिर इनको वापस खोल के मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने फीड दे दिया, तो जो जिसको खाना रहेगा वो खाएगा, फिर अदर फिर मैंने खिला के इनका केज, जो अंदर का केज है वो खोल दूंगा, इसीलिए इतना बड़ा केज, इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है कि फीडिंग का बहुत ही मसला आता है ये इनका। तो ये है, यहाँ पर दो फीमेल, सिर्फ दो कैट्स को अंदर रखना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले केज में जितनी भी कैट्स थी उस सबको रख दिया, इसमें चार ही थी, और इस वाले में देख सकते हो इसमें छः कैट्स है। तो अब मैंने फीड उसको दे दिया, आप देख सकते हो फीड वो खा रहा है, इन केस अगर ये वाला कैट खाएगा ना तो इनको मोशन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, और ये गारंटेड लगना ही लगना है, इसमें से सबसे जो छोटा वाला है उसको लगना ही लगना है। तो अगर इन कैट्स ये कैट्स किसी के पास जाते हैं तो यही कैट फूड खिलाइए जो मैं दिया, या कई और से भी अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के पास से भी लेते हो तो वही कैट फूड उन्हें उनको खिलाइए जो वो पहले खेल रहा है। स्ट्रीट कैट्स को नहीं दिक्कत आती है, यहाँ पर स्ट्रीट कैट बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, मगर पर्शियंस का दिक्कत यहाँ पर ये है, बहुत ज़्यादा इनको केयर करने की ज़रूरत रहती है। तो ये देख सकते सारों को फीड दिया है, अभी ये दो घंटा इसी में बंद रहेंगे, दो घंटा इसमें बंद रहेंगे, फिर चार से पाँच घंटा इसमें मैं दाना हटा दूंगा, दाने के साथ ही पानी रहेगा, फिर ये फीड करेंगे और खेलते रहेंगे पूरा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पर। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। अब कैटरी आ गई है, यहाँ पे पूरी बन गई है, तो डेली कोशिश करेंगे एक दो दिन के आड़ में कैट से रिलेटेड वीडियो लाए। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कि कैट्स का क्या साइन रहता है, कि वो आपसे खुश है या नहीं खुश है, तो ये सब चीज़ें उस वीडियो में भी मैं पूरी बताऊँगा, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। कई सारे लोगों के डाउट आते हैं, कॉल आते रहते हैं हमारे पास, तो उनको क्या दिक्कत ज़्यादा मेन आती है, तो उस पर एक सॉल्यूशन देंगे। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कैट्स हो तो ही आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप कैट्स नहीं भी हो, सोच रहे हो कैट लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कैट्स से रिलेटेड, बर्ड्स, डॉग, फैंसी पिजन्स भी अभी एक से एक वैरायटी आने वाली है, मज़ा आ जाएगा, तो वो सब आपको बताएंगे। एंड वीडियो को यही ख़त्म करेंगे, और अगर इन केस अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो एक्जोटिक बर्ड्स का नंबर है 9131411960, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो नंबर मिल जाएगा, 9131411960। आप कंटिन्यू कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे आपकी प्रॉब्लम पूरी डिटेल लिख के आप छोड़ दें तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, मगर ये कोशिश करिएगा कि कंटिन्यू कॉल ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आते हैं यूट्यूब पर तो परेशानी होती है,
आप अपनी पूरी प्रॉब्लम सिर्फ हाय ना लिखे, पूरी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे लिख के छोड़ दे, आपको पूरा गारंटेड मैं देता हूँ रिप्लाई मिलेगा। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी नहीं है, मगर एक चीज़ है, कैट्स के इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसका नॉलेज हमें नहीं है। कैट्स का जो आउट फंगल हुआ या कोई भी एक्स वाई जेड चीज हुई, कैसा बिहेवियर कर रही है, सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम छोड़ के पूरी प्रॉब्लम हम बताएंगे क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, तो आप वो डॉक्टर से ही पूछो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मगर बाकी सब प्रॉब्लम जो भी है हम कोशिश करेंगे आपकी सॉल्व करने की, एंड कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पे। एंड वीडियो को फिलहाल यही खत्म करेंगे, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अभी के लिए थैंक यू सो मच।